सीएस जयविंदर सिंह है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली एंड नोएडा। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग सभी कंपनी के एनडीएच फोर रिजेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं एज पर न्यू निधि रूल 2022 या फिर ओल्ड निधि रूल के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड थी। और दोस्तों एनडीएच फोर रिजेक्शन के कारण, कुछ कारण तो ठीक है लॉजिकल हैं और हमें वो समझने चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण भी हैं जो एकदम इलॉजिकल हैं, क्लरिकल मिस्टेक हैं, उनके कारण भी दोस्तों एनडीएच फोर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो क्या कारण है रिजेक्शन के और उन कारण को क्या हम सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, क्या उन कारण को सॉल्व करके हम एनडीएच फोर अपना अप्रूव करा सकते हैं या फिर नहीं, और दोस्तों एक बार एनडीएच फोर अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या हम रीअप्लाई भी कर सकते हैं या फिर नहीं, और दोस्तों क्या आज के टाइम पे निधि कंपनी रजिस्टर कराना चाहिए या फिर नहीं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको हम इस वीडियो में देंगे और दोस्तों डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे। क्या कोई गारंटी एनडीएच फोर अप्रूव कराने की? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी गारंटी हम लोग नहीं देते, अपनी तरफ से बेस्ट हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन क्लरिकल मिस्टेक की वजह से या फिर आपने जो डाटा दिया है उसकी वजह से रिजेक्ट होता है तो उसके लिए दोस्तों हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों जब एनडीएच फोर हमारा फाइल होता है तो हम 20 लाख की कैपिटल पेड अप करने के बाद में अप्लाई करते हैं, 200 प्लस मेंबर हम लोग रेडी करते हैं, उसके बाद में ही अप्लाई करते हैं, सारी बहुत ड्राफ्ट वगैरह फाइल करते हैं, बोर्ड रिजोल्यूशन, फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया वो हम फाइल करते हैं, ऑडिटर सर्टिफिकेट, डायरेक्टर सर्टिफिकेट हम लगा करके फाइल करते हैं। उसके बाद दोस्तों फाइल करने के विद इन 15 डेज में रिप्लाई आ जाता है, लगभग 15-16 दिन में उनका रिप्लाई आ जाता है, मेल के थ्रू वो रिप्लाई आता है। वो लोग कहते हैं कि हमें फर्दर ये डिटेल और चाहिए। अब उस मेल में क्या रिप्लाई मांगा जाता है, उसमें दोस्तों कुछ ये क्वेश्चन मांगे जाते हैं कि अगर आपकी निधि कंपनी एक कंपनी पहले से चल रही थी और आपने उस पहले से चल रही निधि कंपनी के सेम या सिमिलर नाम से नई निधि कंपनी रजिस्टर करा ली है, तो उस नाम के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन आता है कि हमें ये लग रहा है कि ये एक्स वाई जेड निधि कंपनी पहले से रजिस्टर्ड थी जिसका एनडीएच फोर रिजेक्ट हो गया था, या फिर जिसने अपने कंप्लाइंसिस टाइम पर नहीं किए थे और उसका एनडीएच फोर फाइल नहीं हुआ है, तो भैया हमें ये लग रहा है कि ये नई निधि कंपनी भी पहले वाली निधि कंपनी से रिलेटेड है और हम इसको भी क्यों अप्रूव करें, क्योंकि ये जो इसके प्रमोटर डायरेक्टर है पहली वाली की कंप्लाइंस टाइम पर नहीं कर पाए, तो क्या गारंटी है कि इसके भी कंप्लाइंस वो टाइम पर कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हमें क्लियर हुई है कि अगर हमारी पहले से कोई कंपनी है तो हमें नई कंपनी अगर हम रजिस्टर कर भी रहे हैं तो उसके मिलते जुलते सेम या सिमिलर नाम के साथ हम रजिस्टर नहीं करेंगे, एकदम नया और यूनिक नाम हम रखेंगे। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट आता है कि जो पहले वाली कंपनी में प्रोमोटर और डायरेक्टर थे वो पहले वाली कंपनी में डिफॉल्टर हो चुके हैं क्योंकि पहले वाली कंपनी ने टाइम पर कंप्लायंसेज नहीं किए हैं, या तो वो पहले वाली कंपनी निधि कंपनी थी या पहले वाली कंपनी कोई ऐसी कंपनी थी जो प्राइवेट लिमिटेड या सेक्शन 8 कंपनी है जिसके कंप्लायंसेज ऑन टाइम नहीं हो रहे थे, जिसमें या तो कंप्लायंसेज पेंडिंग थे या कुछ घोल घोटाला चल रहा था। ऐसी कंपनी के अगर आप डायरेक्टर प्रोमोटर हैं फिर भी आप दोस्तों अपने आप को निधि कंपनी में डायरेक्टरशिप में ना लीजिए, खास करके एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि एनडीएच फोर अप्रूवल होने तक आप अपने आप को डायरेक्टरशिप में मत लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जहां पर आपकी पहली कंपनी रजिस्टर थी निधि कंपनी, उस एड्रेस पर आप न्यू निधि कंपनी को दोस्तों रजिस्टर मत कराइए, आप हो सके तो दूसरा सेम तहसील में दूसरे पिन कोड पर अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं या दूसरे मोहल्ले में या आस मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस करके ही रजिस्टर कराएं। उसके बाद ये जो अभी तक मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं एकदम लॉजिकल पॉइंट हैं, सही पॉइंट हैं जो रिजेक्ट करना भी चाहिए, ये हमें अवॉइड करने चाहिए दोस्तों। अगर आपका ऐसा केस है तो आप उन पॉइंट्स को अवॉइड करें और उनको सॉर्ट आउट करने के बाद ही अपनी नई निधि कंपनी रजिस्टर कराएं। उसके बाद दोस्तों कैपिटल का पॉइंट आता है, तो अगर आपकी कंपनी न्यू निधि रूल के अकॉर्डिंग हो रही है तो 20 लाख की ऑथराइज कैपिटल आपको रखनी ही पड़ेगी। डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो कैपिटल के ऊपर ही है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम एनडीएच फोर के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 प्लस मेंबर हमारे होते हैं, तो उसका एमसीए के कुछ रिजेक्शन इसलिए भी आते हैं कि भैया प्रोमोटर और डायरेक्टर के पास 99 या 98% होल्डिंग है, बाकी जो हमारे मेंबर हैं प्रोमोटर हैं उनके पास सिर्फ 1 या 2% की होल्डिंग है, तो ये तो निधि कंपनी का मतलब नहीं हुआ।
निधि कंपनी का मतलब है, वैसे तो निधि रूल में या कि किसी भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि प्रमोटर मेंबर के पास 99 नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन ये जब एनडीएच 4 का रिजेक्शन आता है तो उस समय ये लोग कहते हैं कितनी शेयर होल्डिंग है, ऐसे कैसे हो जाएगा अप्रूव, आप तो मेजोरिटी कर सकते हैं, किसी मेंबर को निकाल सकते हैं। और ये नीचे एक निधि कंपनी की डेफिनेशन दे देते हैं जिसमें ये कहा गया है कि निधि कंपनी जो बनती है लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए बनती है। तो लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों के बेनिफिट का मतलब है दोस्तों कि सभी मेंबर का इक्वल राइट यहाँ पर आप रख देंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, वैसे तो ये पॉइंट कहीं भी रूल्स या रेगुलेशन में नहीं मेंशन किया गया था, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो दोस्तों ये रूल्स, ये जो पॉइंट है हमें समझ आ रहा है, तो हम इस पॉइंट को भी दोस्तों कंसिडर करेंगे और सभी मेंबर का जो शेयर से वो इक्वल आप स्टार्टिंग में रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि कुछ मेंबर्स के जो है पैन नंबर और आधार नंबर गलत थे। तो दोस्तों जब भी आप सीट रेडी करेंगे तो सभी मेंबर्स के पैन और आधार नंबर जो है वो सही तरीके से 2-3 बार चेक करके ही करें कि किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये क्लरिकल मिस्टेक है, एमसीए को 2-3 चांस देने चाहिए, क्योंकि जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आप लोग 2-3 चांस दे सकते हो तो एनडीएच 4 अप्रूवल में सिर्फ 1 चांस क्यों? ये तो कहीं लॉजिकल बात नहीं हुई ना। अगर क्लरिकल मिस्टेक है तो आप फिर से हमें एक और चांस दे सकते हो ना, कम से कम 2 या 3 चांस तो दे सकते हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो ये आप लोग भी दोस्तों एमसीए को कंप्लेन करें, अपील करें कि दोस्त कि सर एक चांस में अगर कोई मिस्टेक हमने बिलर दे भी दी, बाय चांस क्लरिकल मिस्टेक हो भी गई हमारे स्टाफ से, तो आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं उसके बेस पे? आप हमसे फिर से डिटेल वो ले सकते हैं, ऐसे कैसे हो गया? इतनी सारी फीस हमारी सब चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये चीज़ पहले से ही रेडी करनी है। और एमसीए जब इतनी बारीकियों से चेक कर रहा है कि भैया एक एक पैन नंबर वो चेक कर दें, क्रॉस चेक कर दें आपके पैन कार्ड से, और दोस्तों कॉपी ऑफ पैन कार्ड और आधार कार्ड जब आप करेंगे तो अलग अलग सेट बनाएंगे, पैन कार्ड का अलग सेट और आधार कार्ड का अलग सेट, और सीरियल नंबर वाइज करेंगे, जिस सीरियल नंबर में आपके पैन कार्ड मेंबर्स मेंबर लिस्ट में है उसी सीरियल नंबर में आपको पैन 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 और पैन कार्ड का अलग सेट और आधार कार्ड का अलग सेट सेम सीरियल नंबर में बनाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ में। किसी का भी पैन कार्ड या आधार कार्ड ब्लर नहीं होना चाहिए, सभी का विजिबल क्लियर अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जो हमने कैपिटल बैंक में डाली है उस कैपिटल की बैंक स्टेटमेंट दोस्तों हमें निकाल करके देनी होती है। और दोस्तों जब हम एनडीएच 4 फाइल करते हैं तो उस समय सिर्फ हमें मेंबर्स की लिस्ट, फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया वाला डॉक्यूमेंट, ऑडिटर सर्टिफिकेट, डायरेक्टर सर्टिफिकेट और बीआर ही लगाना होता है, क्योंकि फॉर्म में हमारा साइज 6 MB तक जा सकता है। और जो कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट है, SH4 है और शेयर सर्टिफिकेट है, कोई भी और एक्स्ट्रा आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो जब उनका रिप्लाई आता है मेल में उसमें आप दे सकते हैं। वो फॉर्म का रिप्लाई यानी कि फॉर्म का रिसबमिशन इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि सारी इतनी सारी डिटेल 6 MB में समराइज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो मेल के थ्रू ही रिप्लाई देते हैं। और आप मेल में एक्सेस अलाउ ऑल को करके दोस्तों रिप्लाई करें और उनको चेक करने का चांस दें। तो जब हमारा मेल आता है एमसीए की तरफ से तो 4-5 दिन का समय होता है रिप्लाई करने के लिए, तो 4-5 दिन में सारी डिटेल रेडी करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप रेडी कर भी लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों उसमें मिस्टेक का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए जब आप एनडीएच पर अपना अप्लाई करें उसी समय से आप लग जाएं सारी की सारी प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पॉइंट हो गए कि हम किस तरीके से दोस्तों सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, क्या हमें इस समय अपनी निधि कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए या फिर नहीं? तो दोस्तों आपको ये प्लान पहले से ही करना पड़ेगा। आप ये प्लान कर लें कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ही आपका जो है 200 मेंबर कंप्लीट हो जाए, कैपिटल आपकी डल जाए और एनडीएच 4 आपका विद इन 60 डेज आपका अप्लाई हो जाए, क्योंकि लगभग 60 डेज के बाद लगभग 1 महीने में आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, एनडीएच 4 अप्रूव होना है या फिर रिजेक्ट होना है। तो पहले से ही आप प्लान कर लें दोस्तों, सब कुछ फंड वगैरह मेंबर वगैरह रेडी करके ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें और कोशिश करें कि 1 महीने में ही आपका एनडीएच 4 या फिर मैक्सिमम 2 महीने में अप्लाई हो जाए, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद में तो अगर आप इतना प्लान कर सकते हैं तो अपनी निधि कंपनी रजिस्टर कराएं 20 लाख कैपिटल के साथ में, अदरवाइज आप होल्ड करें, जब इतनी प्लानिंग हो जाए तभी आप रजिस्टर कराएं।
जल्दबाजी में रजिस्टर ना कराएं, लेट ना कराएं। कई लोग मेरे पास रजिस्टर करा चुके हैं, लेकिन हम उनसे कहते हैं सर कैपिटल डालिए, सर मेंबर पूरे कीजिए, सर हमारी फीस दीजिए, तो वो लोग रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं आजकल के टाइम में। अब 120 दिन के बाद वो आते हैं कि सर आप करा दो, सर कुछ भी कर दो, मैं बीमार था, मैं ये था वो था। एमसी वाले नहीं समझते इन बातों को, वो कहते हैं जब आप इतना कर सकते हैं तो आप फाइल भी करना ऑन टाइम आपको चाहिए। फाइल कर दीजिए, लेट भी फाइल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों वो अप्रूव होने के चांस बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों एक लास्ट पॉइंट आता है कि NDH-4 अगर हमारा एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो क्या हम रीअप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहीं भी निधि रूल में, न्यू निधि रूल में, एमसीए के किसी भी नोटिफिकेशन मेल में नहीं लिखा गया है कि NDH-4 रिजेक्ट होने के बाद आप रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, टाइम का आप ध्यान रखें, विद इन 120 डेज हमारा NDH-4 अप्रूव होना मतलब अप्लाई होना चाहिए। तो आप दोस्तों अप्लाई विद इन 120 डेज देख करके ही करें, और 120 डेज में आप रीअप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई लगभग 1 से 1.5 महीने में कर दिया था। तो अगर पहला वाला आपका छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से, पैन नंबर सही नहीं था, पैन कार्ड की कॉपी ब्लर थी, इस कारण की वजह से दोस्तों अगर आपका रिजेक्ट हो गया था तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं सही इंफॉर्मेशन के साथ में, उसको जो आप पहले मिस्टेक थी उनको करेक्ट करने के बाद में। क्या सर रीअप्लाई की कोई गारंटी है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी और हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमें व्हाट्सएप डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी डायरेक्टली कॉल ना करें, पहले हमसे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें अगर पर्सनल बात करना चाहते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेल पर या व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अगर रेलिवेंट होगी तो ज़रूर मिलेगा, इररेलीवेंट होगी तो रिप्लाई हम लोग नहीं देते हैं।